दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों मौत का तांडव सा चल रहा है। ये ऐसा तांडव है, ऐसा विनाशकारी परिदृश्य है कि जिसमें मौत कोई सायरन बजाते हुए नहीं आ रही है। सिर्फ बीमारों की एम्बुलेंसेज जो हैं वो सायरन बजाते हुए जा रही हैं और अस्पतालों से लौटती हुई गाड़ियां भी सायरन बजाते हुए आ रही हैं। मौत किसी की बिरादरी नहीं देख रही है, ये वायरस किसी का धर्म नहीं देख रहा है, ये वायरस किसी की नागरिकता नहीं देख रहा है। नागरिकता का कानून भी वो नहीं जानता है। नागरिकता के कानून में भेदभाव सरकारें करती हैं, सियासत करती हैं, सियासतदान करते हैं, लेकिन मौत, विनाश और वायरस, इस तरह के विनाशकारी वायरस किसी को नहीं बख्शते। जो बहुत ताकतवर हैं, चंद मुट्ठी भर लो, बड़े बड़े वीआईपीज, बड़े बड़े कारपोरेट, जो सचमुच महाबली हैं, उनके पास जरूर इतनी ताकत है, इतनी अकूत संपदा है कि वो अपने घर में ही अस्पताल एक कोने में खोल सकते हैं, मिनी हॉस्पिटल चला सकते हैं, जहां सारी सुविधाएं उनको हो और वो कुछ भी उनका मौत बिगाड़ न सके, वायरस उनके सामने उस तरह की चुनौती न पैदा कर सके कि जैसी आम नागरिक के सामने वो पैदा कर रहा है। लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं। दोस्तों वायरस से अगर लोग मरते, सारे लोग वायरस से अगर मर रहे होते तो आप कहते कि ये वायरस पूरी दुनिया से ज्यादा भारत को बेहाल कर रहा है। वायरस हर जगह है और जो लोग कह रहे हैं कि वायरस रूप बदलकर भारत में आया है, तो रूप तो कई देशों में उसने बदला, लेकिन जिन देशों ने बेहतर व्यवस्था की, जिन देशों ने अपने अस्पतालों को बेहतर रखा, जहां ऑक्सीजन की सुविधा थी, वेंटिलेटर्स थे, जहां कमिटमेंट था अपने देश की जनता को बचाने का, वहां ये वायरस उस तरह विनाशकारी नहीं साबित हुआ। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि ये वायरस नहीं है, ये व्यवस्था है जो लोगों को मार रही है। और वायरस और ये विनाशकारी जो व्यवस्था का प्रकोप है, यह जाति के नाम पर हमारी सियासत, हमारी व्यवस्था को चलाने वाले जाति धर्म के नाम पर जरूर वोट लेते हैं, लेकिन वो जाति और धर्म नहीं देखते जब पूरी जमहूरियत को, पूरी इंसानियत को बचाने की बात होती है। यहां तो हिंदू मुस्लिम क्या, पादरी, मौलवी, बड़े बड़े पुजारी भी काल कवलित हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम ये जानना चाहते हैं और आपको भी जानना चाहिए कि ये जो व्यवस्था की इतनी बड़ी कोताही हुई है कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक जो इस समय जो रेट है, जो गति है लोगों के इन्फेक्ट होने की, संक्रमित होने की, पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। आखिर ये क्यों हुआ है? और अगर हुआ भी है तो हम उसे रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? आज ही खबर है दिल्ली में 25 लोग एक अस्पताल में केवल मरे, सिर्फ एक अस्पताल में। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे भारत जो दिल्ली नहीं है, दिल्ली उसका एक छोटा टुकड़ा है, राष्ट्रीय राजधानी वो भले हो, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से उड़ीसा तक कितने लोग मरे होंगे ऑक्सीजन के बगैर। और गांव का हाल सुनिए, कस्बों का हाल सुनिए, छोटे शहरों का हाल सुनिए, आप कांप उठेंगे। जो बचे हुए लोग हैं वो सचमुच कांप उठेंगे। कई प्रदेश ऐसे अपने देश के हैं जहां रिकॉर्ड नहीं हो रही है मौतें। कई प्रदेश ऐसे हैं अपने देश के जहां पर लोगों को
कोरोना संक्रमण है या नहीं है इसकी जांच नहीं होने दी जा रही है। आज ही एक खबर आई कि परमवीर चक्र विजेता, लोग कहते हैं कि बड़ी देशभक्तों की सरकार है, लेकिन वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता, उनके बेटे की मौत इसलिए केवल हो गई कि न तो उनको ऑक्सीजन मिला कानपुर के अस्पताल में और न तो उनकी जांच कराई गई। कई दिन से वो बेहाल थे, सारे सिम्टम उसी तरह के थे, लेकिन उनकी जांच तक नहीं की गई। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर ये ऑक्सीजन की कमी, ये जांच की कमी, ये टेस्टिंग की कमी क्यों है? कहा जा रहा है कि हमारी सरकार ऑक्सीजन पर सारा ध्यान दे रही है, लेकिन साल भर सरकार ने क्या किया? अगर हमने जाना कि दूसरी लहर जरूर आएगी, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर को सचेत किया कि दूसरी लहर आएगी, हो सकता है तीसरी भी आ जाए, लेकिन दूसरी लहर के बारे में तो पूरी तरह लोगों को मालूम था, खासकर अपने देश में भी, कि वो आ सकती है और कभी भी आ सकती है। फिर भी इंतजामात क्यों नहीं किए गए, फिर भी प्रबंध क्यों नहीं किए गए, ऑक्सीजन के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? ऑक्सीजन जो जीवन रक्षक है, कहा गया कि इतने प्लांट लगाएंगे, लगे नहीं। आखिर क्यों? आज हम सिंगापुर जैसे छोटे से एक मुल्क से हम ऑक्सीजन मंगा रहे हैं। हम न जाने कितने देशों से आज हम भीख मांग रहे हैं कि ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। सेंट्रल विस्टा पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करने वाला सेंट्रल विस्टा, जहां नई पार्लियामेंट बनेगी, जहां पर मंत्रालयों के भवन बनेंगे, जहां न जाने क्या क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री निवास बनेगा, राष्ट्रपति निवास बनेगा, फिर से बनेगा। इतनी खूबसूरत इमारतों के रहते हुए भी हमारे देश में हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च करके और फिर से सब कुछ बनाया जा रहा है, बन रहा है, बनेगा नहीं, बन रहा है। लेकिन उस मुल्क में हमने 163 किया, हमने 100 नए जो प्रस्ताव 163 हमने प्रस्तावित किया, हमने 100 प्लांट भी नहीं लगाए। अब प्लांट के लिए कह रहे हैं कि हम जर्मनी से मंगा लेंगे, हम कह रहे हैं हवाई जहाज से मंगा लेंगे, हम वो कह रहे हैं कि हम टैंकर मंगा लेंगे। लेकिन दोस्तों जो लोग ये समझते हैं कि सरकार से कोई गलती नहीं हुई, अनुमान नहीं था कि इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वो झूठ बोलते हैं। चाहे वो सत्ता में बैठते हो, चाहे सियासत में बैठते हो, चाहे मीडिया में बैठे हो। दोस्तों पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ की स्थायी समिति, उसने 1 नवंबर 2020 में उसने रिकमेंड किया था ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन की के उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कोरोना से निपटने के लिए। और यही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने, एक समूह बनाया गया था, उसने भी ऑक्सीजन का सवाल नवंबर 2020 से काफी पहले अप्रैल 2020 में उठाया था। हम ये जानना चाहते हैं आपकी तरफ से, आज हम कोई कोताही नहीं कर सकते सवाल पूछने में। ये काम टेलीविजन वालों का है कि वो सवाल ही नहीं पूछते, वो आपसे सवाल पूछेंगे, वो विपक्ष से सवाल पूछेंगे, वो दुनिया भर से सवाल पूछेंगे, लेकिन सरकार से नहीं पूछेंगे। लेकिन आज हम सरकार से फिर सवाल करेंगे आपकी तरफ से कि आखिर इतने रिकमेंडेशंस के बावजूद, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, अधिकारियों के उच्चाधिकार प्राप्त समूह के बावजूद ऑक्सीजन का क्या हुआ? क्यों नहीं ऑक्सीजन के ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाए गए? क्या वजह है? अगर मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी जरूरत थी तो आप दूसरे जो कल कारखाने हैं उनको जो मिलने वाली गैसें हैं उन पर आप रोक लगा सकते थे। इस समय उत्पादन ठप पड़ा है पूरे देश का, आखिर ये कोताही क्यों की गई? कितने अस्पताल नए बने हाल के एक वर्ष में, कितने अस्पताल बने हैं, क्या कोई रिकॉर्ड है? जो अस्थायी अस्पताल बनाए गए थे वो फिजूल साबित हुए, वो बिल्कुल फालतू साबित हुए। अब फिर से उनको सजाया जा रहा है और उनके अखबार में फोटोग्राफ, टेलीविजन पर चित्र दिखाए जा रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं के भी चित्र दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों विनाश लीला है और यह विनाश लीला वायरस के कारण नहीं है, यह व्यवस्था के कारण है। जिस तरह की व्यवस्था, हमने अपना पूरा वक्त कहां लगाया? हमने अपना पूरा वक्त मंदिर,
मस्जिद, एक दूसरे से नफरत करने में। हमने हिंदू मुसलमान देखा, हमने क्रिश्चियन और पादरी देखा, हमने पारसी और जैन और बौद्ध देखा, हमने मनुष्य के रूप में लोगों को देखा नहीं, और हिंदू भी देखा तो उसमें अलग अलग जातियों के रूप में लोगों को देखा। लेकिन हम जैसा पहले आपसे कहे कि ये वायरस किसी को नहीं देख रहा है, और वायरस को रोकने के लिए जरूरी था अच्छे अस्पताल, और जो बीमार हो रहे हैं, जो संक्रमित हो रहे हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा बेड, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, वो चीजें हमारे पास नहीं है। और इसके लिए एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, आवाम जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस देश की व्यवस्था जिम्मेदार है, जिसका नेतृत्व हमारी सरकार करती है। और बिल्कुल अंत में दोस्तों, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि आज ये बात बताने की नहीं है कि मौतें कितनी हो रही हैं। दरअसल जो कहा जा रहा है कि 3,46,000, 47,000, 3,44,000, ये जो बात है केसेस की, कि ये इतनी केसेज हमारे यहां रोज रिकॉर्ड हो रही हैं संक्रमण की, और लोग बता रहे हैं कि मरने वालों की संख्या, इतनी संख्या 2,000 हो गई, कभी 3,000 हो गई। दोस्तों ये आंकड़े गलत हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। लगातार मैं बात कर रहा हूं अपने दोस्तों से जो देश के कोने कोने में है, गांव में कोरोना पहुंच गया है, पहले नहीं पहुंचा था, और गांव में जो रिपोर्ट हो, जो चीजें, जो मौतें हो रही हैं, जो संक्रमित लोग हो रहे हैं, उनका आम तौर पर रिकॉर्ड नहीं लिया जा रहा है। कुछ एक प्रदेशों को छोड़कर, आप केरला को छोड़ दीजिए, तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, कर्नाटक को छोड़ दीजिए, जो विकसित प्रदेश हैं और जहां व्यवस्था थोड़ी बेहतर है, बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं लिया जा रहा है। तो इसलिए हाहाकार की स्थिति है दोस्तों। इसमें बस यही है कि विवेक किसी तरह लोगों का जागृत हो, जो व्यवस्था के संचालक हैं वो थोड़ा सा जगे, करुणा, थोड़ी सी संवेदना, सियासत छोड़े, चुनाव जीतते रहेंगे, सरकार में बने रहेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब ये देश ही ठीक से नहीं रहेगा, जब इतनी बड़ी जनता की तबाही हो जाएगी, लोग खत्म हो जाएंगे, आबादी की आबादी खत्म हो रही है, जनरेशन की एक एक घर में तीन तीन लोगों की मौतें हो रही हैं, कैसा राज करेंगे, किसके लिए राज करेंगे। तो दोस्तों मैं फिर कहता हूं, इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई राजनीति, मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है किसी भी राजनीतिक दल को लेकर, लेकिन मैं अंत में बस एक बात कहूंगा कि जो लोग आज सत्ता चला रहे हैं उनका विवेक जगना चाहिए, उनकी इंसानियत जगनी चाहिए, उन्होंने जो गलतियां की उन पर हम उनसे किसी भी तरह का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं चाहते, कोई सफाई नहीं चाहते। अब लेकिन सुधरें, अब लेकिन संभलें, मनुष्यता को बचाएं, इस देश को बचाएं, आवाम को बचाएं। लोकतंत्र तो बाद में रहेगा, जनता रहेगी तभी बचेगा लोकतंत्र। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।